एक बार हम जरा नज़ारा टेक्नोलॉजी के नंबर्स आ चुके हैं और बातचीत करने के लिए कंपनी के फाउंडर एंड एमडी जॉइंट एमडी नितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मैं जो आपके नंबर्स देख रहा था, हमारी स्क्रीन पर भी आ जाएंगे, उसके अंदर जी टिपिकली थोड़े मार्जिन पे प्रेशर था सर। हाँ सर जी रीज़न बता सकेंगे क्यों? जरूर। जो हम बिजनेसेस जो हम कर रहे हैं, जैसे ई स्पोर्ट्स बिजनेस है, वो इंडिया में काफी एक नेसेंट बिजनेस है, बट काफी इमर्जिंग बिजनेस है। उसमें हम लोग ऑलरेडी मार्केट लीडर्स है, और हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये मार्केट लीडरशिप बना के रखें और इसको तेजी से बढ़ाएं। तो जैसे हमें ये साल में अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, हम हमारे मार्जिन्स ग्रोथ में री इन्वेस्ट कर रहे हैं, नए आईपीस बना रहे हैं। हमने एक गेमिंग एक्सेसरीज ब्रांड लॉन्च करा है, जो अभी इस दिवाली के सीजन में बहुत अच्छा करा है हमारे क्वार्टर में। सो काफी अलग अलग जगहों में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर ग्रोथ। अगर आप देखेंगे तो हमारा अर्लियर गाइडेंस फॉर रेवेन्यू ग्रोथ फॉर करेंट ईयर FY23 वाज 50%, वो हमने अपवर्ड रिवाइज करा है टू 70 to 75%। सो हमें काफी ग्रोथ आई है एट अ कॉस्ट ऑफ लिटिल मार्जिन। जो हमारी सोच है कि जो बिजनेस हम चलाते हैं उसमें हम लीडर्स बने तो हमें बहुत आगे चल के मार्जिन्स में फायदा आएगा, और इसीलिए आज के दिन उसमें इन्वेस्टमेंट करना इम्पोर्टेंट है। एट द सेम टाइम हम ग्रोथ एट द कॉस्ट ऑफ बर्निंग मनी या रनिंग इनटू लॉसेस करना नहीं चाहते। तो हम हमारे मार्जिन्स प्रॉफिटेबिलिटी बना के रखेंगे, पॉजिटिव कैश फ्लोज बना के रखेंगे, बट इस ये राइट टाइम नहीं है हमारे लिए मार्जिन्स ऑप्टिमाइज करने के लिए। ओके ठीक है नीतीश जी, एक और चीज़ है, क्योंकि आपके इंडस्ट्री के अंदर ना एक तो रेगुलर इनोवेशन और दूसरा नए नए प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ये शायद आप मेरे से कहीं ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, जानते भी हैं। मैं आपसे ज़रा ये पता करना चाहता हूँ, इसके लिए कोई डेडिकेटेड कैपेक्स आपका है क्या सर? अगर है तो वो कितना खर्च हो गया, कितना खर्च होना है? जरूर। एक तो हमारे जो अप्रोच है अलग अलग बिजनेसेस में ऑपरेट करने का और अलग 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 टीम्स के साथ ऑपरेट करने का, वो स्ट्रक्चर इनोवेशन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि काफी टीम्स फोकस करके नए नए प्रोडक्ट्स बना सकती है। जनरली हम लोग हमारे फाइनेंशियल्स में कैपेक्स करते नहीं है, ज्यादातर हमारे इन्वेस्टमेंट सब ऑपेक्स हो जाते हैं, इसलिए भी आपको थोड़े मार्जिन्स कम लगते हैं, बिकॉज हम लोग कंटिन्यूसली नए इनोवेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट हम लोग उसको कैपिटलाइज नहीं कर रहे हमारे बुक्स में। एट द सेम टाइम शायद हमारा साल का 50 करोड़ का कैपेक्स इंटू इनोवेशन होता है हर साल। ओके नितीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने समय निकाला। एंड हैप्पी दिवाली टू यू सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दीपावली की सर, थैंक यू वेरी मच।